नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। फिर से कोरोना ने फिल्में खिसकाईं। जी हाँ, कोरोना फिर से आ चुका है, कोविड-19, और फिल्में फिर से स्थगित हो रही हैं। मैं याद दिला दूं कि आपने सिनेमा हॉल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और मेरे साथ रहें। साथ ही बाय मी ए कॉफ़ी लिंक पर जाएं और मेरे लिए कॉफ़ी खरीदें, मेरे साथ रहें। तो कोरोना का ख़तरा सभी राज्यों में बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले दिल्ली ने थिएटर बंद कर दिए, सारे सार्वजनिक स्थानों को बंद किया, और अब धीरे धीरे उसका असर दूसरे राज्यों में भी आ रहा है। दरअसल कोरोना जिस तेज़ी से बढ़ रहा है और जिस रफ्तार से आगे की ओर जा रहा है, उससे यह पूरी संभावना हो गई है कि आने वाले समय में सभी राज्यों में थिएटर बंद कर दिए जाएंगे। जनवरी माह में जितनी फिल्में रिलीज होने वाली थी, उनमें से सबसे पहले 7 जनवरी को RRR आ रही थी। राजामौली की इस फिल्म को लेकर बहुत सारी जिज्ञासाएँ हैं और लोगों का उत्साह भी है, लेकिन राजामौली के दावे के बावजूद यह फिल्म खिसक गई है। अब यह फिल्म 7 जनवरी को रिलीज़ नहीं की जा रही है थिएटर में। जाहिर सी बात है, चूँकि दर्शक नहीं हैं, इसलिए इस फिल्म को रिलीज़ करके नुकसान उठाने का जोखिम कोई भी नहीं लेगा। 14 तारीख को राधेश्याम आने वाली है, प्रभास की फिल्म। इस फिल्म को लेके भी काफ़ी सरगर्मी है और लोगों के अंदर उत्साह है, दर्शकों के अंदर उत्साह है, क्योंकि बाहुबली के यह अभिनेता हिंदी फिल्मों में एक बड़े धमाके के साथ फिर से आ रहा है। पिछली कोशिश उनकी असफल रही थी। अब देखना यह है कि 14 तारीख की फिल्म रिलीज हो पाती है कि नहीं हो पाती है। 21 तारीख को पृथ्वीराज आने वाली थी, डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी निर्देशित और अक्षय कुमार और मानुषी छिल्लर की फिल्म। इस फिल्म के भी आने की संभावनाएँ नहीं दिख रही हैं, क्योंकि अभी तक इसका प्रमोशनल वीडियोस नहीं आरंभ हुए हैं, कोई भी प्रचार नहीं हो रहा है, न ही इसका ट्रेलर आया है। अमूमन किसी भी फिल्म की रिलीज़ के महीने भर पहले ट्रेलर आ जाते हैं ताकि दर्शकों को तैयार किया जा सके। अभी तक पृथ्वीराज ने ऐसी कोई सुगबुगाहट नहीं दिखाई है। इसके अलावा इस फिल्म को लेकर जो विवाद चल रहा है, अब देखना यह है कि 10 जनवरी को जिन्होंने दावा किया था कि वे आके यशराज फिल्म्स के पास धरना देंगे, वे आते हैं कि नहीं आते हैं, और सरकार उन्हें इसकी अनुमति देती है कि नहीं देती है। 28 तारीख को अटैक आने वाली है, जॉन अब्राहम की फिल्म है। इस फिल्म को लेके भी बहुत उत्साह है। अभी इसके बारे में कोई खबर नहीं है, मालूम नहीं यह फिल्म रिलीज होगी कि नहीं होगी। सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि तीसरे हफ्ते के बाद कोरोना की क्या स्थिति रहती है पूरे देश में, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। तो कोरोना अभी तक देश से, हमारे जीवन से गया नहीं है, और लगातार ग्रहण लगा रहा है, लगातार बार बार फिल्म इंडस्ट्री के कारोबार में अड़चन डाल रहा है। सावधान रहें, घर में रहें, बाहर निकले तो मास्क पहनें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और सामाजिक दूरी बनाकर रखें। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।